सब जानते हैं कि राधिका मेरी पत्नी। तेरे कुछ बोलने से ये सच बदल नहीं जाएगा देव। मैं आखिरी बार कह रहा हूं तुझसे रोहन, राधिका कभी तेरी थी नहीं। राधिका मेरी पत्नी है। देव! पल के लिए मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई तुम वही आदमी हो जिसने मेरी छोटी बहू का अपहरण किया था और उस पर बुरी नजर डाली थी। नहीं छोटी माँ, इन पर इल्जाम मत लगाइए। आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप अभी सच नहीं जानती। बाहर आपको असलियत पता चल जाएगी ना, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत। आप नहीं जानती हैं छोटी माँ, हमें इस रोहन ने किस किस तरह से प्रताड़ित किया है। तुम्हें क्या बोले जा रही हो? तुम इस देव की तरफदारी कर रही हो, अपने पति की नहीं। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। छोटी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वही छोटी माँ, सच है। मेरे और रोहन के साथ फेरे पूरे हुए ही नहीं थे। झूठ बोल रही माँ ये सब। नहीं रोहन, तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उस रात मंडप पर दुर्घटना हो गई से प्यार करते थे। लेकिन देव बाबू ने यह सच अपने परिवार को नहीं बताया, क्योंकि तब तक मेरा और रोहन का रिश्ता तय हो चुका था। लेकिन मैं ये सच नहीं छुपा पाई और मैंने सब कुछ रोहन को बता दिया। क्योंकि उस दुर्घटना के बाद ये बेहोश हो गया था और मैं पल पल इंतजार कर रही थी कि ये कब होश में आएगा और कब हमारी सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन जब ये होश में आया तो पता चला कि ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि मैं पूरी निष्ठा के साथ इसकी सेवा करूंगी, ताकि जिस दिन इसकी याददाश्त लौट आए ये सबको बता पाए कि हम दोनों के फेरे पूरे हुए ही नहीं थे। फिर एक दिन हमें पता चला कि इसकी याददाश्त जाना सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग था। नाटक किया था इसने। क्या ये सब सच है? माँ वो क्योंकि हम दोनों का सच सबके सामने ना आ पाए। लेकिन जब हमने इसका झूठ पकड़ लिया तो फिर इसने ढोंग रचा। इसने हम दोनों को विश्वास दिलाया कि हमारी सच्चाई पूरे परिवार को बताएगा और हमें मिल पाएगा। मैं उन्हें समझाऊंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात को समझेंगे। तुम दोनों इतने दिनों बाद एक हुए हो, तुम्हें एक दूसरे के साथ अच्छा सा प्यारा सा समय बिताना ही चाहिए। लेकिन इसने, छोटी माँ, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि इसके दिल में मैल था, बल्कि मुझे डरा धमकाकर मुझसे ये बुलवाया कि मैं इसकी पत्नी हूं। इसने मुझे धमकी दी थी अगर मैं सबके सामने चुप ना रहूं तो ये इन्हें जेल भिजवा देगा। सारे अत्याचार सहे, लेकिन ये सब देव बाबू सहन नहीं कर पाए। और वो मुझे यहां से ले गए। लेकिन इस बात का फायदा इस रोहन ने उठाया, इल्जाम लगाता ही गया। अच्छे जानते हैं आप, इस रोहन ने देव बाबू पर वो 12 गोलियां चलाई। तो ये है कि देव बाबू ने अपने प्यार का बलिदान दिया अपने परिवार की खातिर और अपनी दोस्ती की खातिर। पर जब सच इसे पता चला तो इसने ना तो अपने परिवार की कदर की और ना ही अपनी दोस्ती की। अपने जिद और स्वार्थ की खातिर इसने मुझे जबरदस्ती पाने की कोशिश की। रोहन, क्या ये सब सच है? माँ, वो अपने को कह रही हो जिसने आज से 12 बरस पहले मुझे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया था। मत कह मुझे माँ, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। जिससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, उसने मेरी भावनाओं की कदर की, मुझे सम्मान दिया। सच्चाई तो उसके प्यार में है, और तुम ऐसी घिनौनी हरकतें करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब तुम्हारी माँ को ये बात पता चलेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या सोचा था तुमने? डरा धमका के चुप करके राधिका के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दोगे? तुम्हें अपनी कोख से जन्म देकर नहीं समझ पाई कि कितने नीच इंसान हो तुम। किस्मत वाली तो छाया थी जिसने देव को जन्म दिया। तुम्हारी जगह देव मेरा बेटा होता। निकल जा इस घर से और आइंदा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मैंने क्या कहा? माँ, जाओ यहाँ से। बेटा, आप इनकी बात। रोहन! जा यहाँ से! सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम्हारा बेटा नहीं है। जा यहाँ से! कहाँ ना जाओ? संभालिए अपने आप को। सब बातों से यही होगा। मैंने ये सारी बातें जानबूझकर आपको नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता था आपको दुख पहुंचेगा, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दे सकता था। मैं आपको कभी जाने नहीं दे सकता। अब मेरी समझ में आया कि काशी महाराज ने क्या सोच के देव को राजपुरोहित बनाया होगा। आज मैंने भी देखा कि आपने देव में क्या देखा हो। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। इसलिए पर शक किया। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ। इस घर की जिम्मेदारी फिर संभाल लो। नहीं बाबूजी, मुझसे ये जिम्मेदारी नहीं संभलेगी। बहुत गलत फैसले लिए मैंने। आपके सही फैसले पर सवाल उठाए हैं मैंने। सच कहूं तो सही गलत पहचानने की समझ ही नहीं है मुझमें। मैं ये नहीं संभाल पाऊंगी बाबूजी। आप ये जिम्मेदारी जीजी को दे दीजिए। वो इस घर की बड़ी बहू है। उन्होंने ही मुझे भंडार की चाबी दी थी। आप उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दीजिए बाबूजी। तुमने ठीक कहा था बहू कि तुम्हें सही गलत पहचानने की क्षमता नहीं है। तुम उस औरत को घर सौंपने को कह रही हो जिसने आज से 12 बरस पहले मुझे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया था। डर से कि मैं सब लोगों को सच ना बोल दूं, 12 बरस मुझे गलत दवाइयां पिलाकर जिंदा लाश बनाए रखा। मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती वसीयत के कागजात पर दस्तखत कराने की कोशिश की। और ये सब इसने इसलिए किया कि मैं अपने छोटे पोते को राज पुरोहित बनाना चाहता था। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया बाबूजी, बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई बाबूजी। तुम तो मुझे मार ही देती अगर तुम्हें वसीयत खुलने का इंतजार ना होता। वो तो भला हो बरखा का जिसने मुझे सही दवाइयां देकर इस लायक बना है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है बड़ी बहू, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसकी जगह यहाँ नहीं बल्कि जेल खाने में है। देव, पुलिस को बुलाओ।